Okay, so, uh, uh, -like. -like वो 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 खतरनाक गॉडलाइक -like. क्या वो वापस आ चुकी है सो so, तुम लोग भी कॉमेंट के अंदर बताते रहो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या वो गॉडलाइक -like वापस आ चुकी है क्या वही गॉडलाइक -like दिख रही है जो पहले दिखती थी क्योंकि बीजेस ग्राइंड के वो मैचेस डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन जरूर दिखा रहे थे मच्छर कहां से आया एक रिफ्लेक्शन जरूर दिखा रहे थे लेकिन यही चीज हमें समझना है कि क्या वो गॉड लाइक -like वापस आई है एंड यस गॉड्स रेन पे भी वीडियो आएगी कि ग्लैडिएटर्स जब गॉड्स बने तो ग्लैड गॉड लड़ना भूल गए क्या हुआ इन सब चीजों पर वीडियोस आएंगी एंड यस yes, गाइस शुरू करने से पहले अगर आप चैनल आपने लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड वन मिलियन का अपना गोल है कॉमेंट करके बताते रहो लाइक्स कम नहीं होने चाहिए चलो लेट्स एक्चुअली बिगिन एंड यहां पर सबसे पहले तो हम लोग बात इंगल में भी इनका चिकन आया था बट इराल का चिकन और सैनोक के चिकन में मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि सैनॉक में पोजिशन वाइज सर्कल टू सर्कल आई मीन गॉडलाइक को द टीम उनको ये एरियाज हमेशा से खेलने आए हैं तो जब सर्कल उनको इधर की तरफ को लेकर के जा रहा था ना सो दे हैड अ गुड आइडिया ऑफ हाउ टू जस्ट नो गेट बैक टू समीसेंट रोटेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले पता नहीं जली के ऊपर सवाल उठाते थे मेरे को भी टैग्स आते थे स्टोरीज में कि भाई जली ऐसी स्प्लिट रोटेशंस क्यों करवाता है जली अलग रोटेशंस क्यों कराता है व्हाट आई फील इज हैली को जब मैं खुद ओआर के टाइम से जानता हूं ना जेली नोस कि वो अगर एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहा है तो वो टीम के भले के लिए कर रहा है जली नोस की अगर वो चीजें कुछ प्लस माइनस हो रही है ना जस्ट ट्रस्ट जलीज माइंड सेट थिंग्स कन्वर्ट इन इन गुड वेज तो यही चीज मैं बस जली के बारे में बोलना चाहूंगा सवाल मत उठाओ बाद में रिजल्ट लेकर के आता लड़का एंड अच्छा लड़का है डेफिनेटली सो ये जो पोजीशन थी कैमबराबो के अराउंड का जो स्प्लिट था यहाँ से टीम के लिए मूव जो करना था वो बहुत डिसेंट सा हो रखा था इनफैक्ट आने वाले गेम्स में भी आने वाले सर्कल्स में भी ये दिख रहा था कि जब भी टीम मूव कर रही थी ना ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ही ज्यादा पीछे की यहाँ से मूव करना शुरू किया है जहां आर टीम्स जो पूरा ब्लू जोन के अराउंड या ब्लू जोन के एजेस के अराउंड घूम रही है देयर इज अ टीम जो कि एच टू एच मूव कर रही इनफैक्ट एक दो तीन चार ठीक है लेकिन इनमें ना गॉडलाइक -like को एक फायदा है अगर कोई इनके पीछे जाएगा ये पकड़ सकते हैं ये टीम फंस सकती है क्योंकि आगे बहुत सारी टीम्स ये टीम सैंडविच ये टीम बहुत पीछे यहां से घूमना पड़ेगा सो so, बाकी टीम्स को बहुत सोचना पड़ेगा गॉडलाइक -like और ऑटोबॉट्स दो ऐसी टीम्स हैं इनफैक्ट अगर अगर बात करें जिनको ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अभी मूवमेंट के लिए हाँ जब सर्कल इधर आए तो इधर वाली सब टीम्स को भी सोचना पड़ेगा राइट सो सर्कल के अराउंड अराउंड की जो जो मूवमेंट है 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 और सर्कल के मोमेंटम वो अच्छा पकड़ा टीम गॉड लाइक ने गॉड लाइक में सिम का एडिशन आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के अंदर ये भी बताओ आई थिंक इट्स अ इट्सेंट एडिशन फेयर एडिशन है ना ज्यादा गुड ना ज्यादा बैड बट इट्स अ इट्स इट्स इट्सेंट एडिशन दैट इज वट आई कैन से बाकी यहां पर ठीक है अब क्वेरी के अराउंड सर्कल शिफ्ट हुआ ये तुम देख ही सकते हो कि जो, जो जोन का शिफ्ट है वो कैसे बदला है एक समय तक सर्कल का शिफ्ट कहां था और एक समय तक सर्कल का शिफ्ट कैसे यू you नो know, क्वेरी के जस्ट नीचे आया और इस रीजन से गॉड लाइक को और ज्यादा सही है कि भाई उनके एरिया के अराउंड सर्कल है एंड दिस शिफ्ट हेल्प्स देम टू फाइंड गुड पोजिशन दिस शिफ्ट गिव्स देम डिसेंट ब्रीदिंग स्पेस दिस शिफ्ट प्रिपेयर्स देम फॉर दी अपकमिंग फाइट्स तो यहाँ पर सर्कल का रोल अच्छा रोल है डेफिनेटली और इस रोल पर गॉडलाइक -like ने पोजीशन वाइज मेरे ख्याल से काफी अच्छा खेला ठीक है और इसके बाद अगर बात करी जाए फिर तो आती कम्युनिकेटिव सिचुएशंस की और कम्युनिकेटिव फाइट्स की क्योंकि यहां पर जैसा कि तुम देख सकते हो जो, जो जोन है वो मूव आउट कर चुका है ऑब्वियसली पहले इधर जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती थी क्योंकि सैनॉक में कभी कभार हमने देखा है कि कुछ घर तो आते हैं सर्कल्स में तो ऐसे में अगर हार्डशिफ्ट होता सर्कल का तो फिर बाकी टीम्स को शायद थोड़ा फायदा होता शायद थोड़ा नुकसान होता क्या होता लेकिन अब ऐसे मौके पर ना एवरी टीम हैज अ गुड इक्वल चांस ऑफ प्लेइंग क्योंकि ये जो एरिया है इसी एरिया के अराउंड आपको खेलना है अब इस एरिया के अराउंड आप समझ लीजिए कि कोई कहीं से भी आए कोई कहीं से भी आए कोई कहीं से भी आए एवरी वन गेट्स दैट इक्वल चांस क्योंकि हर किसी को ओपन एरिया से मूव करके जाना पड़ेगा जब ऐसा आ जाता है माइंड में कि भाई ओपन एरिया से मूव करके जाना है ओपन तरीके से खेलना है तो आप

ही गोज डाउन बट जैसे डाउन हुए ना कवर फायर आ रहा है जिसकी जरूरत है जिसका यूटिलाईजेशन किया जा सकता है और वही चीज यहां पर प्लेयर्स कर रहे हैं जो कवर फायर चाहिए जैसे चाहिए प्लेयर्स आर ट्राइंग टू गो फॉर इट ऑब्वियसली पीयूष ने एक प्लेयर को डाउन किया ठीक है लेकिन जैसे ही यहाँ पर डाउन हुए बाकी प्लेयर्स को समझ आ गया कि भाई सर्कल भी पकड़ना है एरियाज भी होल्ड करना है सही तरीके से फाइट भी लेनी है दे स्टार्ट वाइंडिंग अपॉर द बिगर पिक्चर द बिगर पिक्चर एक प्लेयर जोन जाकर जोन में डिसेंट एरिया पकड़ने की कोशिश करे जो किया जा रहा है जब जल्दी जा रहा है ना जल्दी को साइड से थोड़ी बहुत गोलियां भी पड़ गोलिया रही शुरू कर बट फॉर हिम द बिगर पिक्चर बाकी प्लेयर देख लेंगे कोई टीम मेट अगर खत्म हो रहा है तो अभी नहीं अभी मुझे सर्कल पकड़ना है एरियाज होल्ड करने क्योंकि पीछे से सर्कल भी खाएगा तो अगर प्लेयर डाउन हुआ उस प्लेयर को छोड़ा जाए खुद आगे मूव करें दैट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट इज डूइंग एंड जली बी आइडियल ही नीड्स टू ये देखो यहां पर अभी निशान आया था ही नीड्स टू फाइंड अप अ गुड प्लेस इन साइड ही थिंग्स ही हैज फाउंड वन और इस इस एरिया का फायदा सबसे अच्छा ये है जब आप एक तरफ स्मोक कर दो ना यहाँ स्मोक कर दिया तो यहाँ की तो विजन गई बट फिर वो घर को ही देखना है घर को देखना मतलब आपने ऐसे प्लेयर्स को डाउन किया जिन पे पोटेंशियल कवर है घर से बड़ा कवर कुछ नहीं है इस गेम में पत्थर वत्थर है बट घर से बड़ा कवर कुछ नहीं है राइट और घर जहां से उन लोगों को निकलना है नहीं तो प्लेयर्स क्या करते हैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी है मैं यहां पत्थर पर हूं मतलब मैं यहां पत्थर पर हूं ओपोनेंट खुद की एचपी डाउन हो रही होगी सर्कल से लेकिन मुझ पे गोलियां चला करके मुझे नॉक करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा होता है तो अगर मैं ही पहले उनको नॉक कर दूं जो यहां घर में है मैं ही पहले उन पर नजर रख लूं तो मुझ पे अपर हैंड आएगा वही चीज जली ने करी है आई होप आप समझ गए होगे मेरी बात राइट सो so, इन प्लेयर्स को देखना ही जरूरी है क्योंकि अगर इनको देख लिया तो मैं उस पोटेंशियल थ्रेट को रिड्यूस कर दूंगा जो खुद चाहे सर्कल के बाहर हुए लेकिन तब भी मुझ पे गोलियां चला करके मेरा काम बिगाड़ सकते हैं और उसी चीज की बहुत अच्छी कोशिश इनफैक्ट यहां पर करी गई है सीधा एंड पर प्लेयर्स को देखा गया हालांकि जॉनसन जब उतर रहे थे गाड़ी से तो गाड़ी के फटने के कारण उनको डाउन किया गया बट देन

आपके ऊपर थ्रोएबल आ सकता था एडमिनो ने सीधा ये एंगल पकड़ा और परफेक्ट कवर फायर ओपन एरिया में बंदे को डालना दैट वाज़ परफेक्ट कवर फायर जो कि एडमिनो ने किया सो दिस गॉड लाइक इज वर्किंग गुड विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन अब पहले कम्युनिकेशन डिफरेंसेस थोड़े बहुत लगते थे जिनकी मैंने पहले भी बात करी हुई है बट नाउ दिस गॉड लाइक इज वर्किंग वेरी गुड फॉर दीज गेम्स एटलीस्ट देरी गुड आगे आने वाले गेम्स में देखते हैं और कैसे सिनर्जी uh, बैठते रहती है क्योंकि धीरे धीरे ही सिनर्जी और तगड़ी होती है राइट right? और वही सिनर्जी यहां पर प्लेयर्स की तगड़ी होती नजर आ जरूर रही है सो एडमिनो हिड इुड हिड जस्टिस ही अच्छा फ्रैगिंग पोटेंशियल जो है फ्रॉम द फ्रंट लाइन दैट इज वॉट एडमिनो इज शोइंग दैट इज वॉट द टीम नीड्स राइट एक फ्रैगिंग पोटेंशियल एडमिनो में है और उसको यहां खुला छोड़ा जा रहा है कि अगर फाइट्स मिल रही हैं फाइट लो एडमिनो एरियाज भी होल्ड कर रहा है आगे जाकर के सो दिस इज वेरी गुड यहां पर एक टीम खत्म अब बचती है ऑब्वियसली दो टीम्स सो so, यहां पर भी यहां पर एडमिनो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड कर गया था कैसे मैं बताता हूं मारियो बिल्कुल सामने है राइट मारियो ने यहां पर एडमिनो को देख लिया जरूर यह सीन एडमिनो लेकिन मारियो को काउंटर बहुत अच्छा किया यहां पर मैं गॉड लाइक -like की दाग दूंगा वापस लुक लुक एट एट दिस दिस सिचुएशन एडमिनो देखा मारियो लाइक चलो मैं मारूंगा प्लेयर को डाउन किया बट जैसे ही ये हो रहा है इनफैक्ट मारियो की गोलियां नहीं गोलियां पड़ रही हैं बट जैसे ये सिचुएशन हुई ना जैसे ही मारियो दिख चुका था एंड गोलियां इस पर पड़ी जेली वॉज ब्रिलियंट जेली वॉज डेफिनेटली ब्रिलियंट इन दिस सिचुएशन प्लेयर्स को पता था कि भाई यहां पर लोग हैं क्योंकि यहां स्मोक्स हो रहे हैं तो यहां पर जनता होगी हम तीन हैं तो सामने भी तीन ही होने चाहिए यहां जनता होगी तो शायद यहीं पर हो सारे लेकिन यहां देखने के चक्कर में जली ने जब ये एरिया देखा और यहां पर एक आदमी को बैठे हुए देखा जली अंडरस्टुड दी सिरदर्द है इसको सैरेडोन दो राइट खत्म करो सीधा बहुत प्यार से इनफेक्ट एक डाउन किया है अब बचा एक आदमी जो इनफैक्ट इस स्मोक के अंदर है नाउ कम्स द गॉडल चार्ज जो होता है राइट right? गॉडलाइ -like को पता है कि भाई सामने आदमी है उसके ऊपर प्रेशर कैसे बनाना है गॉडल चार्ज है ये क्लासिक गॉडल चार्ज देखा थ्रोएबल्स सब चीज जो बचे हैं जैसे बचे हैं डालो प्रेशर बनाओ खत्म करो दैट इज ऑल दैट इज नीडेड मारियो को इसलिए खत्म किया क्योंकि मारियो एनिमीज हेड करके बता सकता था कि बंदा यहां से आ रहा है या वहां से आ रहा है क्योंकि उसके पास एक अच्छा खासा विजन एरिया था लेट आप जब नॉक हो जाते हो तब भी वो क्राउच टीपीपी तो आप ले ही सकते हो राइट वही चीज और जैसे यहाँ पर प्रेशर बनना शुरू हुआ नोट इट वॉज डन एंड गॉडलाइक है गुड गेम राइट सो ऐसे अच्छे गेम्स जो है ना टीम गॉडलाइक के